हाय फ्रेंड, दिस इज एवन एंड यू आर वाचिंग चैनल सेवन फार्मेसी। आज हम डिस्कशन करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जो पहले हमने वीडियोस में देखे कि कितने प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि एंटीऑक्सीडेंट उसे कहते हैं जो हमारे सेल्स में जो ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सीडेशन होने से रोकता है, उसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, जिसमें से हमने देखा था कि टोकोफेरॉल, जिसको हम कहते हैं विटामिन ई और विटामिन सी और मेटाबाइसल्फेट के एग्जांपल भी हमने देखा था। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि हमारा जो एंटी प्रॉपर्टीज जो होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है कि वो क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला होती है कि हमें अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो पहला हमारा टॉपिक होता है इट शुड बी लो कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन होना चाहिए और हाई एफिकेसी के साथ में वो काम करे टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। ठीक है, हो लो कंसंट्रेशन एंड हाई एफिकेसी टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरा इट इज इजी टू सॉल्यूबल विथ एनी इंटीग्रेडिएंट, इंटीग्रेडिएंट के साथ में ठीक है सॉल्यूबल हो जाए। और तीसरा ये होता है कि केमिकली इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि केमिकली इनर्ट का मतलब होता है कि किसी भी, अगर हम फार्माकोलॉजिकल में क्या इफेक्ट क्या देखते हैं कि एक दवा को दूसरे दवा को जब हम मिलाते हैं और बनाते हैं तो क्या होता है कि एक दवा दूसरे दवा से रिएक्शन होता है। ठीक है, उसका अपोजिटिव जो जिसको कहते हैं हम एंटागोनिज्म दिखा जाता है। और एंटागोनिज्म हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइनर्जिज्म। और साइनर्जिज्म में क्या होता है कि हमें जो दवा जो हम मिला रहे हैं और एक दवा को बना रहे हैं वो दवा एक साथ मिलकर के अच्छा काम कर रहा है और पेशेंट को जो दिया जाएगा उससे हमको अच्छा बेनिफिट्स होगा। किसी भी डिजीज के ऊपर काम करेंगे तो हमें क्या होगा, वो अच्छा काम करेगा। ठीक है, डिजीज के ऊपर वो अच्छा काम करेगा, इसीलिए हम क्या चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। और इसके जो फिजियोलॉजिकल जो होते हैं, है ना, फिजियोलॉजिकल और केमिकल जो होते हैं, केमिकल और प्लस फिजियोलॉजिकल जो इसका साइनर्जिज्म होगा उसमें भी इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज होता है किसका, एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नहीं होना देना चाहिए। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन अगर हम दे दें तो हमारा अच्छा काम करे। ठीक है, और अगर ऑक्सीडाइज कर गया है तो उसको रिवर्स कंडीशन में ले आए, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन रेडॉक्स पोटेंशियल, रेडॉक्स पोटेंशियल में काम करे। ठीक है, तो ये हमारा होता है एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टीज। और आपको डिस्प्ले भी प्लेस होता होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।